अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जी क्या हाल है। तो मैं आई हूँ आज फिर एक अनदर कुकिंग व्लॉग के साथ। तो पिक्चर देख के आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। या एक करेले, करेले को मैंने काट दिया है, सिंपली मैंने नमक में इसको मैश कर दिया है। यू नो सबको ही पता होगा कि बस थोड़ी कड़वाहट इसकी कम होती है, तो बस वो किए मैंने। इसमें थोड़ा सा फ्रोजन कर लूँगी और फिर इसको वॉश करके मैं फ्राई करूँगी ताकि इसकी कड़वाहटपन थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। तो चलते हैं आगे, अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने चीज़ें कट कर दी हैं। ये है टोमेटो और दो मैंने प्याज ले ली थी। प्याज ज़्यादा करेले में अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने ज़्यादा डाले हैं। दो बड़े प्याज थे एंड 3 मीडियम टोमेटोस। ये ग्रीन चिलीज मैं ऐसे ही रखूँगी, इनको जस्ट मैंने कट किया है। इसको मैं करेलों के साथ फ्राई कर दूँगी। इसको मैं सब्ज़ी में ऐसे नहीं डालूंगी क्योंकि थोड़ी कड़कपन सा आता है, कुरकुरापन सा आता है, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आगे चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। करेलों को मैं करती हूँ फ्राई। तो जी करेले और ग्रीन चिली मैंने फ्राई कर दी है। तो अब मैं लगाने जा रही हूँ तड़का, तो वो आ जाए आप लोग भी। तो जी मैंने ऑयल डाल दिया है। ये ऑयल गंदा नहीं है, ये करेलों का ही ऑयल है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आप ये मत समझिएगा कि मैं गंदा से ऑयल को यूज़ कर रही हूँ। सो दिस इज़ जस्ट करेलों का ऑयल, तो इसलिए ऐसा थोड़ा कलर हो गया इसका। तो जी ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन। लहसुन के साथ ही मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा जीरा, इतना सा जीरा बहुत है। जैसे ही लहसुन थोड़ी सी खुशबू छोड़ेगा मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज। तो ये गुदी भी इधर ही बैठी है, देखें। तो बस ये हर चीज़ को झप झप करेगी। गार्लिक में से खुशबू आने लगी है तो मैं इसमें ऐड कर दी हूँ ऑनियन। इसको मैं थोड़ा सा कवर अप कर लूँगी क्योंकि मैं चाहूँगी कि ऑनियन थोड़ा सा नरम हो जाए और अच्छा लगता है करेलों में थोड़ा सा नरम नरम, थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा ऑनियन। तो प्याज थोड़ा सा कच्चा मज़ा आता है, मतलब उसकी तासीर पूरी से नहीं ख़त्म करनी चाहिए। तो मैं इसको कवर अप कर दूँगी फॉर 3 to 4 मिनट। तो इसी के साथ मैं डालूँगी इसमें सॉल्ट टू टेस्ट, जो जितना खाना पसंद करता है उतना ही डालें। मैं कम खाती हूँ सॉल्ट क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, वरना मुझे तो पर्सनली बहुत सॉल्ट पसंद है। मैं ज़्यादा डालती हूँ पर आफ्टर शादी मैंने कम कर दिया है क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। पठान लोग स्पाइसी तो खा लेते हैं बट सॉल्ट नहीं खाते, तो इसलिए मैं सॉल्ट कम यूज़ करती हूँ। अब इसको मैं फिर से थोड़ा सा कवर अप कर दूँगी 1-2 मिनट के लिए जस्ट, जो वो कलर आ गया जो मैं चाहती थी। तो ये ऐसा कलर काफ़ी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टोमेटो। टोमेटो डाल के मैं 5 मिनट के लिए करूँगी बंद ताकि टमाटर अपना रस छोड़ दें और सही से हो जाए। फिर मैं दिखाती हूँ आपको आगे। तो जी इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी रेड चिली। थोड़ी सी डाल दूँ वो भी मैं, टमाटर पूरे गल जाएंगे तब मैं इसमें ऐड कर दूँगी करेले। थोड़ा सा ऐड करूँगी इसमें पानी, थोड़ा सा बिल्कुल नॉट मच, ताकि टमाटर सही से गल जाए ना।
then cover up. तो जी देखें टमाटर भी गल चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ग्रीन चिली एंड करेले। तो इसको बस मैं एकदम एकदम करूँगी और डिस्चार्ज करूँगी। आप अगर ऐसे नहीं बनाते तो प्लीज़ आप ये थोड़ी सी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है। रायते लस्सी या दही के साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है। ये डिश हो गई थी मेरी तैयार, ये मैंने डिश आउट कर लिया। देखें कैसे लग रहे हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए कंटेंट के साथ। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।